नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वेबवर्क वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर हमेशा की तरह आपके लिए एक नई PSL की अपडेट लेके आया हूँ। तो इससे पहले इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, दोस्तों अगर आप पहली बार भी वेबवर्क वर्ल्ड के इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा लाल कलर में, इस बटन को आप दबा लीजिए। साथ में इसके दबाने के बाद दोस्तों आपको एक घंटी वाला बटन भी साथ में आपको दिखेगा, इस बटन को भी आप दबा लें। इसको दबाने से दोस्तों आप ही का फायदा होगा, जब भी वेबवर्क वर्ल्ड द्वारा कोई भी अपडेट डाली जाएगी सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचें, तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और ये घंटी वाला बटन जरूर दबा लें। हमें दोस्तों आपको ये लाइक वाला बटन भी दिख रहा है, तो इस बटन को भी दबा के ब्लैक से ब्लू कर दें, मतलब इसको नीला कर दें। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये नीला हो जाएगा। हरियाणा के साथियों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हरियाणा के सभी जिलों के EISO के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और जो पिछले दिनों हमने अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया था, उसमें सभी जिलों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसके सार्थक परिणाम ये आए कि सेबी ने एक पोर्टल जारी किया, जिसके अंतर्गत 2500 रुपये से उन्होंने निवेशकों का पैसा देना शुरू किया है। लेकिन हम निवेशकों की और EISO की ये डिमांड है कि हम 2500 से सेटिस्फाइड नहीं है, कम से कम 20000 से ये शुरुआत होनी चाहिए थी। और 20000 से शुरुआत करके धीरे धीरे ये 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक पहुंचनी चाहिए। इसके साथ साथ आज उसी प्रक्रिया को लागू करवाने के लिए कि जल्द से जल्द 20000 रुपये का पोर्टल जारी हो, हरियाणा के साथियों ने आज मीटिंग करके कुछ फैसले लिए हैं, जिसके अंतर्गत 21 जनवरी को हरियाणा के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा सांसदों को घेराव कर उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि आप हमारी मांग, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप जनता की मांग, PSL पीड़ित निवेशकों की मांग संसद में पुरजोर तरीके से रखें, ताकि इनकी समस्या का हल जल्द से जल्द हो सके। इसके अलावा साथियों ने निर्णय लिया कि 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की डेट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को निवेशकों के हित में फैसला दे दिया था, लेकिन 23 महीने के बाद भी आज मात्र 2500 से शुरुआत होने जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करने जा रहे हैं कि यहाँ सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिनके हक में फैसला आया है वो अभी तक वंचित हैं अपने अधिकार से। इसलिए हम गुहार लगाने जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे और जल्द से जल्द जो हमारा पोर्टल है 2500 वाला पोर्टल, उसको हम चाहेंगे कि 2 फरवरी को ही 20000 में तब्दील करने का काम सुप्रीम कोर्ट करे। इस अपील के साथ हम सब लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। सांसद का बोल दिया हरियाणा। और इसके साथ साथ जो भी गतिविधियां और होंगी, सभी साथी जिला स्तर पर अपनी मीटिंगें करके इस सारे जो अभियान है वो अपने साथियों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेके वहाँ पे पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करके शेयर करें अपने व्हाट्सएप फ्रेंड, ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, और साथ में फेसबुक और ट्विटर जो भी आप चलाते हैं, तो इन सभी एप्लीकेशन में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।